कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ब्रूम टाइम डॉक्टर वंस अगेन। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली आने वाली है, आप सबको शुभ दिवाली। तो ये क्वेश्चन ड्रोन के रिगार्डिंग, मिनी स्पेशली जिनके पास मैविक मिनी 1 है या मैविक मिनी 2 का प्लान कर रहे हैं उनके लिए है। क्वेश्चन है कि अब हमें 15 मीटर की लिमिट आ गई है। जैसे मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ऐप का, DJI फ्लाई ऐप इज फॉर DJI मिनी, आप सबको मालूम है जिनके पास है, और जिनको नहीं मालूम है आपको बता रहा हूँ, उसके लिए अलग से ऐप आती है, DJI फ्लाई ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। और उस ऐप में अब एक लिमिट आ रही है कि आप 15 मीटर के ऊपर नहीं जा सकते हाइट में इफ़ यू हैव DJI मैविक मिनी। अब इसका लोग काफ़ी लोग इस बारे में मुझे डेली ईमेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं रिसर्च कर रहा था इस पे और पूरा मैं अब आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ और कोई इसका सोल्यूशन है या नहीं, और अगर वो सोल्यूशन है तो वो कितना कारगर है और कोई उसमें रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं। तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप प्लान करें मिनी लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, और ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, तभी आपको काफी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंडियंस, इंडियन ड्रोन फ्लायर्स। ठीक है, तो अगर आप नए चैनल पर भी सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DJI की ड्रोन्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उसी के हिसाब से एक उसमें रेगुलेशन ये है कि अगर आपका ड्रोन नैनो कैटेगरी में है, यानी 250 ग्राम से कम है, यानी कि मिनी है आपके पास जो कि 249 ग्राम्स का है, तो उससे सीधा सीधा आपको पता लग जाता है कि वो नैनो कैटेगरी का है। नैनो कैटेगरी के ड्रोन की इंडिया में लिमिट हाइट वाइज 15 मीटर फिक्स की गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, DGAC की तरफ से। अगर आपको जाकर देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस में मैंने पूरी रेगुलेशन समझा रखी है, लिंक भी दे रखा है, DGAC की वेबसाइट पर जाइए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि नैनो ड्रोन की एडवांटेज ये है कि आपको उसको UN नंबर एंड रजिस्टर वगैरह नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन आप उसको 15 मीटर के ऊपर नहीं ले जा सकते। अब आपको बताता हूं कि ये जो अपडेट आई है अभी DJI मिनी की, तो वो अंदर ही अंदर मेरे ख्याल से, ख्याल नहीं, मैंने काफी देखा और जो आपको मैं बताने वाला हूं कि DJI चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनकी सांठगांठ हो, तो वो जो अपने एंड पे सॉफ्टवेयर एंड पे कर सकता है फिलहाल NPNT को छोड़ के, ये वो कर सकता था और वो उसने ये कर दिया। मीन्स मिनी एक नैनो ड्रोन है और इंडिया में अब जो नई अपडेट आ रही है उसके बाद वो इंडियन ड्रोन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने वो जो लिमिट है 15 मीटर के ऊपर जाने वाली वो आपको लगा दी है। मतलब कि आप अगर इंडिया में हैं और मिनी या मिनी 2 खरीद रहे हैं तो भैया आप 15 मीटर के ऊपर कतई नहीं जा सकते। जुगाड़ है उसका, जुगाड़ है पर बहुत रिस्की है, आपको पहले बता रहा हूं, और एक आध जगह पर ट्राई हुआ भी है और वो वर्क कर भी सकता है, बट मैं एज ए ड्रोन टेक डॉक्टर आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, बट ये 100% श्योर नहीं है कि उससे आपका ड्रोन लॉस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक चीज और बता दूं आपको कि इंडिया में नैनो ड्रोन को 15 मीटर से ऊपर उड़ाना गैर कानूनी है, बिकॉज लॉ बन चुका है, ड्रोन रेगुलेशंस बन चुकी हैं, और आज की डेट में काफी ड्रोन को नेगेटिव लिया जा रहा है इंडिया में। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ओपन एरिया में ड्रोन्स लेके गए और उनके साथ झगड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है ना बहुत गलत हो रहा है ड्रोन्स का। ड्रोन एक कैमरा है यार, हर एक चीज के दोनों दो पहलू हैं, आई डोंट नो, बट काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है ड्रोन्स की, तो उसके हिसाब से काफी आक्रोश है दुनिया, मतलब पब्लिक के नजरों में, आम पब्लिक की नजरों में जो ड्रोन उड़ाता है उसके लिए। तो प्लीज आप ध्यान से उड़ाएं ड्रोन, ओपन एरिया में उड़ाएं और जहां पब्लिक ना हो वहीं पर उड़ाएं, ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मत करिए। अगर आप चाहते हैं बियॉन्ड इसके जाना तो आप नैनो कैटेगरी को छोड़ के माइक्रो कैटेगरी में आइए, क्योंकि माइक्रो कैटेगरी में अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ड्रोन, सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी।
और आप सब लोग पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन अभी ऑन हुआ है अभी नहीं हुआ है, क्योंकि डीजीआई और जो एनपी एनटीबी वाला जो नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला हिसाब किताब है वो अभी डीजीआई ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। होप सो वो कर दे। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन डीजीआई के ड्रोन्स, वो चाहेगा कि इंडिया में बिके, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ड्रोन्स के लिए, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली डीजीआई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट एनपी एनटी ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए मिनी की बात हो रही है, तो मिनी एक नैनो ड्रोन है क्योंकि वो 250 ग्राम से नीचे है वेट में, और इंडियन ड्रोन रेगुलेशंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंडियन ड्रोन रेगुलेशंस, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 15 मीटर्स इन आल्टीट्यूड इफ यू आर हैविंग नैनो ड्रोन। सो अकॉर्डिंग टू दैट डीजीआई हैज रिलीज एन अपडेट विच विल लिमिट योर आल्टीट्यूड। तो डीजीआई की जो अपडेट आई है, अगर आपने वो कर ली है तो डेफिनेटली आपको ये झेलना पड़ेगा। अब एक सलूशन इसका ये है कि जिसने अपडेट नहीं किया है, जब तक इमरजेंसी, मतलब एक एक उसमें अपडेट आती है कि जिसके बगैर ड्रोन उड़ता ही नहीं है, अगर उस बियॉन्ड उस लिमिट तक आप उसको ले जाना चाहते हैं कि आप अपडेट ही ना करें, तब तक आप उड़ा पाएंगे, लेकिन एट द एंड कहीं भी ना कभी तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डीजीआई एट द एंड ऐसे फोर्सफुली भी फर्मवेयर को अपडेट करवाता है। तो एक सलूशन तो ये है कि आप अपडेट ना करें। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत रिस्की है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर्सनली मैं ये कभी नहीं करता, लेकिन एक टेक्निकली आपको मैं चीज बताने वाला हूं जो कि डेफिनेटली इसको तोड़ सकती है। तो आपके ये है एयर डीजीआई का, दिस इज मैविक एयर। तो मिनी में भी आपके नीचे दो सेंसर्स हैं, सिर्फ यही दो सेंसर हैं मिनी में, राइट, वन टू, इसमें तो काफ़ी हैं, दिस एयर एंड ये तो 250 ग्राम से ऊपर है, इट इज फॉर मिनी कैटेगरी। तो बेसिकली उसमें यहाँ पर आपको दो सेंसर मिलते हैं जिससे हमारा जो डीजे का ड्रोन है मिनी अपनी हाइट का पता लगाता है, आल्टीट्यूड का पता लगाता है। तो सोल्यूशन या जुगाड़ मैं कहूँगा इसको, मैं सोल्यूशन नहीं बोलूँगा, ये जुगाड़ है, पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, बट डोंट ट्राई दिस, ओके जस्ट। तो बेसिकली अगर आप इसको कवर कर दें टेप से इन सेंसर्स को, वेरी रिस्की, अगेन आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, अगर आप इसको टेप से ढक दें तब ड्रोन को नहीं पता लगेगा कि आप ये किस हाइट पे उड़ रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ द सोल्यूशन टू ब्रेक द लिमिट। बट आपको बता रहा हूँ इससे जब नीचे वाले सेंसर से हाइट का उसको अंदाज़ा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली ड्रोन कहीं भी जा सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया। अगर किसी ने, क्योंकि 15 मीटर्स से बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, तो ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था, मैंने आपको बता दिया है, ये जुगाड़ अगर आप कर सकते हैं, टेप लगानी है, मतलब सेंसर को ढकना है, तीन चार लेयर्स उसमें लगा दें ताकि सेंसर्स को दिखना बंद, बेसिकली इसके नीचे सेंसर है जो कैमरा एक तरह से आप लगा लें देसी भाषा में, उसको आप कवर कर दें और उससे आपकी ये लिमिट, यू गॉट द पॉइंट। बाकी आई विल नॉट रिकमेंड दिस, इससे आप अपना ड्रोन भी खो सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर मत बोलिएगा कि मैंने बताया था, ये जस्ट मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ, और ये आप हमेशा खुली जगह पर जहाँ पर कोई पब्लिक ना हो वहीं पर ट्राई करें, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। और अगर आप शौकीन हैं काफ़ी ऊंचा ड्रोन उड़ाने के, तो मैं आई विल रिकमेंड डोंट गो फॉर मिनी, ठीक है, तो मिनी वाली कैटेगरी से आप बाहर निकलें और एयर वाली कैटेगरी में आएँ, ठीक है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएँ, सभी रूल्स फॉलो करें, और हमेशा मैं बताता हूँ पब्लिक का ध्यान रखें, बिकॉज दिस इज़ वेरी, एक कैमरा नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रोन को उड़ाना, और प्लीज़ फॉलो द रूल्स, ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और सून मेंबरशिप मेरी यूट्यूब ने अप्रूव कर दी है लेकिन मैंने लॉन्च नहीं की है, अभी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैंने स्टोरी में भी पूछा था, आप ज़रूर बताएं कि आप मेंबरशिप, अगर मैं लॉन्च कर दूं तो मेंबर आप बनेंगे, अपना रिस्पांस दिखाएं ना,
मैं वहाँ ऑन करके रख दूँ, कोई मेंबर ही ना बने, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप मेंबरशिप लेंगे या नहीं। मतलब आप ऑडियंस हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए मुझसे और यूट्यूब एक चीज़ बनाई है मेंबरशिप वाली और मुझे अप्रूव कर दिया है, तो वो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, और शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस पे मैं जो भी अपनी पसंद की चीज़ होती है वो मैं शेयर करता हूँ। तो एक दो कमेंट्स आ रहे थे, मैंने बाइक का शॉर्ट वीडियो डाला था, बिकॉज आई लाइक दैट बाइक्स, आई लाइक बाइक्स, सिंपल, मुझे बाइक्स पसंद है। और काफ़ी दिनों के बाद रॉयल इनफील्ड ने मेटियोर निकाल के मुझे बहुत खुश किया। आई फील वेरी नाइस, जिस तरह से वो बनाई है, पूरा हार्ले डेविडसन लगती है वो बाइक। सो दैट इज़ द रीज़न आई अपलोडेड दैट, एंड होप, क्या पता मुझे, मैं खरीद ही लूँ वो। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, थैंक यू।